दोस्तों, हजार पाप करने पर शायद भगवान माफ कर दे, पर ये पांच पाप करने पर इंसान तो क्या भगवान भी माफ नहीं करता। ऐसे में आप ये जान ले कि वो कौन से पांच पाप है जो आपको कभी नहीं करने चाहिए। कार्यवाद, व्यवहार और सोच समझ कर किए गए पापों का वर्णन शास्त्रों में है, जिसे भगवान भी माफ नहीं करता। ऐसा व्यक्ति भगवान के प्रकोप का भागी बनता है। भले ही आप हजार पुण्य कर ले, लेकिन ये पांच पाप करने पर कभी माफी के लायक नहीं होता। जिन पांच पापों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो पूरी दुनिया में प्रचलित है। पूरी दुनिया ये पांच पाप करने से थर थर कांपते हैं। इन पापों की सजा ऐसी होती है आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन पांच पापों के बारे में, जिसे करने से धरती का कोई इंसान या भगवान भी आपको माफ नहीं करता। दोस्तों, नंबर वन, निर्दोष या कमजोर को तकलीफ पहुंचाना। किसी भी निर्दोष या कमजोर को कष्ट देना या उसका धन लूटना, उसके काम में रुकावट पैदा करने की साजिश करने जैसी सोच रखने वाला भी महापापी होता है। ऐसा करने से विनाश के सिवाय कुछ नहीं हासिल होता है। दोस्तों, नंबर दो, किसी की इज्जत लूटना। जी हाँ, जो पुरुष किसी औरत की इज्जत लूटता है, तो उस आदमी को सात जन्मों तक इंसान का जन्म नहीं मिलता। ऐसे लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। इन्हीं कारणों से एक न एक दिन धरती का विनाश होना तय है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। दोस्तों, नंबर तीन, औरत को धोखा देना। दोस्तों, दूसरों की पत्नी या औरत पर बुरी नज़र रखना या उसे पानी की चाह रखना सबसे बड़ा पाप माना जाता है, और शास्त्रों में इसे सबसे बुरा माना गया है। रिश्तों को तोड़ने वाला व्यक्ति दोबारा कभी जन्म नहीं लेता और उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी औरत को धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही किसी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, नंबर चार, धर्म का अपमान करना। दोस्तों, जो इंसान अपने या किसी और के धर्म का अपमान करता है या मजाक उड़ाता है, वो इंसान भी हजार गुना पाप का भागीदार होता है। ऐसे लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने वाला व्यक्ति संसार के विनाश का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों, इन पापों से बचने के लिए कभी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर पाँच, गर्भवती महिला। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गर्भवती औरत को लात मारता है, किसी भी तरह कष्ट पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। एक माँ को कष्ट देना पूरी सृष्टि को विनाश करना होता है, और माँ बाप को कष्ट देना मतलब पूरी पृथ्वी का विनाश करना होता है। इसलिए कभी भी गर्भवती महिला को लात नहीं मारना चाहिए और अपने माता पिता का अपमान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये पांच पाप कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।